बात करवा रही हूँ। पानी मेले की शान है लवली का पानी, लगाओ मुस्कुराएगा मीटर स्पेशल पानी लवली का। हाँ करो तो गाइस इनसे आप जरूर खरीदिएगा, इनका जरूर शॉप दुपट्टा ब्लाउज और कैसा लग रहा है गाइस ये मेरे लिए कैसे ले तू दिवाली के लिए तो कैसा लग रहा है ये कौन सा देखिएगा। तो आपका घर से ये सब अमेरिका डायमंड का काम है? हमारा खुद का काम है, मैन्युफैक्चरिंग हमारी खुद की कोलकाता में, कोलकाता में। किलो कैसे है? एक किलो चेक कर लो। नहीं मेरे घर पे घर में चलता है तिल और पूरी है। अरे भैया मेरा काफी कुछ काम है। हेलो गाइस वेलकम टू मिसेस ब्लॉग, और आज मैं आपको बताने वाली हूँ जो आज हम आए हैं तो पीछे दिवाली बाजार यहाँ लगा हुआ है हमारे ये मानसरोवर में लगता है जयपुर। ये देखिए ये है दिवाली हाट, दिवाली कार्निवल जहाँ हम आज आए हैं दिवाली हाट बाजार। नमस्कार दोस्तों, मिशी के व्लॉग में आपका स्वागत है, और आज हम आपको दिवाली कार्निवल में लेकर आए हैं। जी हाँ, हमारे यहाँ मानसरोवर में विटी रोड पर दिवाली कार्निवल लगता है, जो एक तो राजस्थान पत्रिका की तरफ से लगता है और एक और लगता है दैनिक भास्कर की तरफ से, तो दो लगते हैं अगल बगल में। तो आज हम पहले वाले में आए हैं दिवाली कार्निवल वाले में। इसमें क्या होता है कि पूरा देखिए होम फर्निशिंग पूरा साथ में आप देख रहे हैं, सोफ़ा तथा डेकोरेटिव आइटम्स बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें यहाँ मिल जाती है। साथ ही देखिए आप पूरा वुडन का ये इतना सुंदर बना हुआ डाइनिंग टेबल है और पूरा सोफ़ा सेट वगैरह यहाँ है। तो यहाँ जो जितनी भी बड़ी बड़ी शॉप्स होती हैं वो इस कार्निवल में अपनी छोटी शॉप लगाते हैं, यहाँ पर सही रेट में ना सामान मिल जाता है देखो। तो आज मैं आपको पूरा कार्निवल दिखाऊंगी, यहाँ मैं ये भी दिखाऊंगी कि मैंने यहाँ से क्या शॉपिंग की है। एक्चुअली दिवाली के लिए कपड़े मैंने यहाँ से ले लिए और सजाने के लिए मैंने यहाँ से सामान ले लिया। बहुत ही मतलब एक ही कार्निवल में सारी चीज़ें मिल जाती है। कई बार क्या होता है अपन मार्केट जाते हैं तो अपन को अलग अलग जाना पड़ता है। देखो जैसे कि आपको डेकोरेट के लिए कोई चीज़ चाहिए तो यहाँ सब कुछ है, कपड़े भी मिल जाएंगे, मतलब पूरे ही है ना इम्पोर्टेड होता है, बहुत ही अच्छा वाला है ये। मतलब देखो कालीन वगैरह डोरमेट, कई बार क्या होता है जब हम मार्केट जाते हैं ना तो हमें है ना अलग अलग शॉप में जाना पड़ता है, और फिर भी हमारा है ना एक दो सामान रह ही जाता है कि नहीं यार ये सामान रह गया दोबारा जाएंगे जब लेकर आएंगे। बट कार्निवल्स जो लगते हैं ना उसमें कपड़े भी मिल जाते हैं, देखो आराम से आप है ना कपड़े भी ले लो, घर के लिए भी सामान ले लो, किचन के लिए भी ले लो, इवन खाने पीने का भी सामान यहाँ मिल जाता है। तो कार्निवल एक अच्छा लगता है मुझे जो साल में यहाँ दिवाली के टाइम पे लगता है, और बहुत बड़ा लगता है यहाँ से, मतलब बहुत से दूर दूर से लोग यहाँ तक कि आसपास के गाँव के लोग भी यहाँ आकर शॉपिंग करते हैं। तो मैं ना आपको पूरा कार्निवल दिखाऊँगी। देखो ये एक ऐसा मेला है कि जहाँ आप सजाने की चीज़ें भी ले सकते हो, मैंने भी ली है ये, यहाँ से शॉपिंग की है मैंने, यहाँ से मालाएं ली हैं, एक लैंप ली है और फूल लिए हैं, डेकोरेटिव बहुत सारे आइटम लिए हैं मैंने, साथ ही मैंने बहुत सुंदर सा लहंगा भी परचेज़ किया है। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही सुंदर वीडियो है, तो आप बने रहिए मेरे साथ। यहाँ पर है ना बैंगल्स बहुत सुंदर मिल रही थी, और देखो बच्चों के लिए ये बकल्स हेयर बैंड्स वगैरह सब, यहाँ तक कि मेंस वियर वुमेंस वियर और घर के लिए भी सब मिल जाता है। तो कार्निवल एक ऐसी जगह है ना जहाँ सारा सब कुछ एक जगह मिल जाता है। देखो पर्स भी ले लो आप, यहाँ से मैंने है ना ये मालाएं खरीदी हैं 150 रुपये में, 5 बड़ी बड़ी मालाएं थी, तो मैंने 3-4 पैकेट खरीद लिए, गोल्डन कलर के, ऑरेंज कलर के, येलो कलर के और पिंक और येलो वाले, तो ये 3-4 पैकेट खरीद लिए। ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं, बट ये क्या है कि बाद तक भी काम आ जाती है, और ये लैम्प मुझे बहुत अच्छी लगी,
तो मैंने ये अपने लिए लैम्प भी परचेज करी है। अच्छा, इस लैम्प पे एक बहुत सुंदर क्यूट सा दिया होता है, देखो ऐसे जलाने के बाद ये रात को बहुत अच्छी लगेगी। ये लैम्प है 150 रुपए की, मुझे बहुत अच्छी लगी है। तो ये छोटे छोटे आइटम्स यहाँ मिल जाते हैं बहुत ही अच्छे रिजनेबल रेट पे। इसके अलावा हमने ना बहुत सारे दिए परचेज किए हैं और डेकोरेटिव छोटे छोटे आइटम्स लिए हैं, तो यहाँ से मैंने शॉपिंग कर ली। हम लोगों ने भी यहाँ से ना आगे की तरफ चलते हैं, तो आगे ना खाने पीने का बहुत अच्छा सा सामान मिल रहा था। यानी कि ये ना यहाँ पर मतलब ये जो मसाले वाली शॉप है, इसके साथ ही हमने मैगी और चाय का मसाला, चाय पत्ती और कुछ ऐसे खाने पीने का सामान ले लिया। यहाँ से चाय पत्ती और चाय का मसाला और सांभर मसाला, ये जो हमें लेना था वो हमने यहाँ से ले लिया थोड़ा बहुत। फिर यहाँ से लेने के बाद अब हम आगे चलते हैं। फिर जब हम थोड़ा आगे आए तो यहाँ एक शॉप है जहाँ पर देखो खमन वगैरह बनाने का जो वो आता है ना रेडी टू ईट पाउडर, वो सब यहाँ मिलता है। यहाँ से ना हमने पूरा गुजराती आइटम परचेज किया, ढोकला बनाने का, स्टेट खमन बनाने का और खाकरा पापड़ा और यहाँ पर मतलब चकरी वगैरह, ये सब हमने यहाँ से शॉप से लिया। यहाँ के जो लोग थे वो बहुत ही फ्रेंडली और बहुत ही अच्छे थे। ये शॉप भी गुजरात से थी। इंस्टेंट घमल ढोकला और साथ में ये देखो उत्पम बना के लाए हैं भैया, बहुत ही अच्छा। तो ये सब हमने यहाँ से परचेज किया। आप जरूर खरीदिएगा, इनका जो शॉप है तालोद के नाम से, बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया गुजराती आइटम है, सब कुछ रेडी टू ईट है, सारा सामान रेडी टू ईट इनकी शॉप। ठीक है दीदी, आइटम है मैम थेपला, इडली, डोसा, हांडा, जो खाएगा एक बार वो बार बार खाएगा। जैसा कि आपने देखा कि हम यहाँ मार्केट में आए हैं, तो यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ है और पूरा दिवाली कार्निवल लगा हुआ है। कितना? 400। इस वाले बुद्धि का 400 लगाएंगे। हाँ। ले लें क्या 400 वाला? बड़ा है थोड़ा, वो छोटा बहुत है। मैं इससे बड़ा तो ये है, ये वाला है। ये कितने का है? ये भी 450 का है। अच्छा, तो ये वाली बांधवल बुद्धा परचेज किया है। हेलो, तो आपका घर से ये सब अमेरिका डायमंड का काम है? हमारा खुद का काम है, मैन्युफैक्चरिंग हमारी खुद की कोलकाता में। कोलकाता में? ओके, तो यहाँ पर आप कार्निवल में शॉप लगाई है अपनी? जैसे कलकत्ता में है पूरा काम। हाँ। किस नाम से? नाम है सिक्स होल्स के नाम से कंपनी स्टार्ट कर दी। कंपनी स्टार्ट कर दी। देखिए बहुत ही प्यारे प्यारे एंडिंग बहुत सुंदर सुंदर ज्वेलरीज है। यहाँ से फाइनली मैंने सोफा कवर लिया, दुपट्टा, ब्लाउज और भी थी। कैसा लग रहा है गाइस ये मेरे लिए? अगर मैं इसे ले तू दिवाली के लिए तो कैसा लग रहा है? देखिएगा, हाँ कमर तो काफी बड़ी है इसकी। अच्छा लग रहा है कलर, ठीक है ये वाला। इससे मैंने फाइनली अपने लिए बहुत प्यारा सा लहंगा परचेज कर लिया है। कैसा लग रहा है? फिर यहाँ थोड़ा सा बच्चों ने पाव भाजी वगैरह खाई, मैंने भी खाई और थोड़ी आइसक्रीम ली। तो जो मेला था वो वास्तव में देखने लायक था, खाने पीने की चीज़ें भी बहुत सारी थी। बहुत सारी शॉपिंग कर ली और पा
पान है मीठा पान, खाएगा मुस्कुराएगा, लवली का पान है मेले की शान। ले ओ, ये पान है मेले की शान है लवली का पान, ले खाओ मुस्कुराएगा, 17 मीटर स्पेशल पान है लवली का। हाँ करो, मैंने फायर पान खाया अभी, फायर पान मैं खाने से पहले बहुत ज्यादा डर रही थी, मुझे डर लग रहा था कहीं मेरा मुंह ही जल जाए, बट ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत ही अच्छा पान था। अब हम बाहर आ गए कार्निवल से, तो अब हम बाहर आ गए हैं ये दिवाली हाट बाजार पूरा करके। तो ये वीडियो मैं यहीं खत्म करती हूँ, तो आज के लिए इतना ही, आगे भी नया वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।